नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, महू से ओंकारेश्वर रोड मीटर गेज रेलखंड पर वर्तमान में एक ही पैसेंजर गाड़ी का संचालन किया जा रहा है, जो कि सुबह 9:30 बजे के करीब ओंकारेश्वर रोड से चलती है तथा शाम को 5 बजे के आसपास डॉक्टर अंबेडकर नगर से ओंकारेश्वर रोड के लिए जाती है। वर्तमान में इस गाड़ी पर प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख रुपये का खर्च रेलवे करती है, जो कि ट्रैक की मेंटेनेंस, स्टाफ की सैलरी, डीजल का व्यय आदि खर्चों के रूप में होता है। वहीं आमदनी के नाम पर रेलवे को मात्र 1500-2000, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये, कभी कभी जो स्नान और पर्व आदि होते हैं उसके मौके पर टिकट बिक्री से आय प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में रेलवे के सामने यह संकट मंडरा रहा है कि वह इस ट्रेन का घाटा खाकर संचालन नहीं कर सकता है, तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि इस रेल सेवा को यदि पर्याप्त यात्री नहीं मिलेंगे तो इसको बंद किया जा सकता है, ऐसी पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, वर्तमान में जो फाइनल लोकेशन सर्वे है उसका टेंडर अलाट हो चुका है। वहीं बलवाड़ा से सनावत तक के कार्य के लिए भी प्रक्रिया चल रही है, भू अर्जन संबंधी प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। नए ओंकारेश्वर रोड के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है। अनापत्ति आदि का प्रकाशन काफ़ी समय पूर्व कर दिया गया है। अब आने वाले समय में जल्दी ही मेगा ब्लॉक लेकर ओंकारेश्वर रोड से लगा के बलवाड़ा तक का सेक्शन बंद कर दिया जाएगा तथा जो मीटर गेज की गाड़ी है वह हमेशा के लिए इतने सेक्शन से रुखसत हो जाएगी। और जो सेक्शन है महू से लगा के बलवाड़ा या चोरल तक का, आने वाले समय में उसको हेरिटेज के हिसाब से जीवित रखा जा सकता है, तो यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जो फिलहाल में संकट मंडरा रहा है, मीटर गेज ट्रेन चलती है ओंकारेश्वर रोड से डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच में, उस पर पर्याप्त राजस्व यदि लगातार नहीं मिलेगा तो रेलवे आने वाले समय में इसका संचालन बंद कर सकती है, क्योंकि काफ़ी नुकसान रेलवे को जा रहा है। पूर्व में जो हेरिटेज ट्रेन चल रही थी, गर्मी की वजह से पर्यटकों का रुझान क्षेत्र में कम हो चुका था, क्योंकि जो चोरल घाटी है वह भी गर्मी का मौसम झेल रही है, झरने आदि सूख चुके हैं एवं हरियाली भी यहां से नदारद हो चुकी है। इस स्थिति में पर्यटक बिल्कुल भी हेरिटेज ट्रेन पे यात्रा या आनंद लेने नहीं आ रहे थे। इस स्थिति में रेलवे ने उसको अभी के लिए बरसात का मौसम आने तक बंद कर दिया है, तो आने वाले समय में यदि लगातार ऐसी स्थिति बनी रही तो जो मीटर गेज की गाड़ी चल रही है पैसेंजर ट्रेन वह बंद हो सकती है और रतलाम मंडल की जो एकमात्र मीटर गेज पैसेंजर ट्रेन चल रही है उसको चलाना रेलवे के लिए बहुत अभी खर्चीला काम हो चुका है। यह आने वाले समय में रेलवे बोर्ड और पश्चिम रेलवे के द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, इसके लिए हम सभी को तैयार रहना होगा। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।